वहीं विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सुबह की आरती व पूजा अर्चना के साथ मां की नवरात्रि की शुरुआत हुई। मंदिर की भव्य सजावट का कार्य पंजाब की समाज सेवी संस्था द्वारा किया गया। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में नवरात्रि पूजन के लिए पहुंचे। श्रद्धालु जहां पर मां के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वहीं प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालकर कन्या पूजन के साथ अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु इस बार भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि इस बार कोविड-19 महामारी का दौर थोड़ा थम चुका है, जिस कारण इस बार मंदिर न्यास का सदाव्रत लंगर भी श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर क्षेत्र में लगभग 400 पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर 22 एक्स सर्विसमैन फौजी भी तैनात है। श्रद्धालुओं को पंक्तियों में ही मां के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में नारियल कड़ाह प्रसाद चढ़ाने पर मनाही है। असीं शहर समराले तो आए हैं जी, माता का बहुत वधिया दरबार सजा हुआ जी। पंजाब तो आए समराले तो नराते चलते माता नूं लख लख बधाइयां जी, माता दे नरातें दीआं जय माता दी। इसलिए हमारे दिल्ली से संगत आई हुई है, करीब 25 लोग आए हुए हैं और यहाँ पर माता रानी का दरबार बहुत शानदार सजा हुआ है। देखिए कितने भक्तों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। जय माता की, जय माता दी। चैत्र मास के नवरात्र नैन देवी में शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर शासन का जो काम है वो ठीक से चल रहा है, प्रशासन अपना काम ठीक से कर रहा है। यात्री भारी मात्रा में दर्शन कर आते हैं। माता सबकी रक्षा करे, लंबी उम्र करे और सबको बहुत बहुत बधाई। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे।